विक्रम जी ने मुझे सब स्पेशली कहा कि सोनी तुम्हारी वॉक बहुत अच्छी है, लेकिन उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। शायद लोग मुंह पे बोल देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट की टर्न आती है तो वो अपनी हेरा फेरी चला देते हैं। आई वॉज होपिंग दैट आई वुड डू यू नो बेटर देन द रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, बट इट वॉज जस्ट नॉट माई डे एंड आई डिडंट। आई वॉज कम्प्लीटली एस्टॉनिश्ड, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई नेम दिस टाइम। अब मुझे लगता है शायद नजराना मिलने के बाद मेरे लिए जहर उगलना थोड़ा कम हो जाएगा इन लोगों का। इससे पहले कि मैं राहुल को रिक्वेस्ट करूं कि जाइए और इन्हें प्यार का नजराना पहनाइए, मैं पूछना चाहूंगा आप खुश हैं कि these two are the winners, were you expecting a tie? Please, whatever. ये इसी फील से है, ये मिस इंडिया रह चुकी है, ये देश के बहुत अच्छे डिजाइनर है, और मेरे ख्याल से जो भी निर्णय लिया होगा मुझे मान्य है और मैं उससे खुश हूँ। प्लीज पहनाइए दोनों को प्यार का नजराना। Congratulations once again. Not only the winners, lekin aap sabko bahut bahut congratulations. You did a fantastic job. All thanks to Vikram and Neha. Ab aaiye please exit the stage. Join us. थैंक यू वेरी मच नेहा विक्रम, आप दोनों ने आपका कीमती समय हमें दिया, इन सारे दुल्हनों को सजाया, इनको टिप्स दी, यू मेड देम ऑल लुक सो ब्यूटीफुल। लेकिन अभी आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज हमारी तरफ से। मेरा नाम देविंदर है, कनाडा से आई हूँ। थोड़ा लेट होगी शो के लिए, पर यहाँ पहुँच गई आपके लिए। बताइए शादी करेंगे मुझे से? That was so cute. Welcome to India. Don't be nervous now. हिंदी बोल पाते हैं आप पूरी तरह से? पंजाबी? पंजाबी से सारी बात कर लेनी है। सारी बात करते हैं? हाँ जी। वेलकम वेलकम टू फतेहगढ़। इसे कहते हैं कहानी में ट्विस्ट। तो राहुल कैसा लगा? मैं सचमुच सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था, बट अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ यू को हमारा सरप्राइज अच्छा लगा। नहीं लगा? ओके, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी अभी शाम बाकी है।
So, without further ado, नमस्ते, मेरा नाम शांति है. आई एम फ्रॉम बेल्जियम. आई एम सॉरी आई एम लेट, बट आई एम हियर फॉर यू राहुल. थैंक यू, बेटर लेट देन नेवर. सो मुझसे शादी करोगे? इसका जवाब आपको मिलेगा. फसल बोए किसान, खा जाए शैतान. यही आज मेरे साथ मुझे लगता है हुआ है कि फसल हम सारी 15 और 11 जितनी भी लड़कियां हैं उन्होंने बोई और आ गए दो शैतान यहाँ पे उस फसल को खाने के लिए. इट इज नॉट फेयर. समवेयर द कंपटीशन इज नॉट फेयर बिकॉज दे आर जस्ट फ्रेश एंट्री एंड दे विल स्टार्ट थिंग्स अफ्रेश. ये दो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज के बाद बहुत लोगों के जो प्लान्स हैं वो खत्म होने वाले हैं. उन लड़कियों को स्पेशली पता चलेगा कि जो सोचती है कि राहुल हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. अब देखते हैं तुम कैसे अपनी ये प्राइवेट प्रॉपर्टी रखते हो और कैसे अपने आप को यहाँ पे बचा सकते हो. ऐसा लगा जैसे पता नहीं सपना है गंदा वाला वो भी. ट्रस्ट मी, मैं तो जल रही थी कि यू नो अब मेरा क्या होगा. लास्ट मिनट एंट्री और वाइल्ड कार्ड एंट्री की बिल्कुल जरूरत नहीं थी. इट्स वेरी वेरी अनफेयर. इन लोगों के बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं थी. और वैसे भी ये दोनों लड़कियां बाकी कंटेस्टेंट्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ओवर एज लगती है. वो तो हमारी इंडियन है ही नहीं, वो तो बाहर से आई है, वो तो फॉरनर है. ऐसे कंटेस्टेंट को इस शो में पार्टिसिपेट कराना तो बहुत हैरानगी की बात है मेरे लिए. आई फील आई हैव द एडवांटेज ओवर दीस टू, बट देन अगेन men are men and you never know what happens. हाँ, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इस शो में मैं टिकी तो मैं इतिहास रच दूंगी. Hi, my God, you all are so gorgeous. One, two, three, four. जो मुझे आइडियल मैच लगता है